गुड इवनिंग। एथिक्स के पेपर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं और जो पूरे विषय के अध्ययन के लिए, तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसमें एक बहुत की कॉन्सेप्ट है, बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, वह है नैतिकता का, मोरलिटी का, और कई बार उसे हम एथिक्स भी कहते हैं। हालांकि एथिक्स का हिंदी अनुवाद नीतिशास्त्र किया जाता है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है एक एथिक्स के संदर्भ में, इस कॉन्सेप्ट को समझना कुछ सीधे सवालों को हल करने के दृष्टि बहुत आवश्यक है। जैसे 2013 के IAS के प्रश्न पत्र में पूछा गया कि मूल्यों और नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं। अब एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूल्य क्या है, और दूसरे आपको ये भी पता होना चाहिए कि नैतिकता क्या है। नैतिकता को समझने के बाद आप इस विषय में न केवल जो सैद्धांतिक प्रश्न है उन सैद्धांतिक प्रश्नों को भी अच्छे से टैकल कर सकेंगे, और इसके साथ ही जो केस स्टडीज हैं उनके भी बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो आप अच्छे तरीके से जिनका उत्तर लिख सकेंगे। नैतिकता को समझने के लिए हमें दो बातों को समझना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि नैतिकता क्या नहीं है, और दूसरी बात यह है कि नैतिकता किन कारकों से मिलकर बनती है। नैतिकता को निर्मित करने वाले कारक क्या है, व्हाट मेक्स एनीथिंग एथिकल। इसे एक थोड़ा उदाहरण से समझते हैं कि नैतिकता जो है वो क्या नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि नैतिकता सामाजिकता नहीं है, नैतिकता प्राकृतिकता नहीं है, नैतिकता कानूनी आयामों से भिन्न होती है, नैतिकता धार्मिक आयामों से भी भिन्न होती है। ये भी कहा जा सकता है कि नैतिकता कानून, धर्म, समाज के जो विभिन्न आयाम होते हैं उनसे भिन्न होती है। तो सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा कारक होता है जो नैतिकता को कानून से, नैतिकता को धर्म से, नैतिकता को सामाजिक विषयों से या समाज से अलग करता है। और दूसरा पहलू यह है कि क्या ऐसा होता है कि जब हम किसी विषय को नैतिक कहते हैं। एक उदाहरण से इस बात को आप समझिए कि अभी कुछ दिनों पहले सरोगेसी का जो मुद्दा था वो चर्चा में था। चर्चा का एक कारण तो ये था कि बॉलीवुड की एक बहुत चर्चा में रहने वाली शख्सियत थी, करण जौहर साहब, उन्होंने सिंगल पेरेंटहुड के तहत सरोगेसी की मदद लेते हुए दो जुड़वा बच्चों के पितृत्व को स्वीकार किया, या दो जुड़वा बच्चों के पिता बने। और दूसरा एक चर्चा में रहने का आधार था कि सरोगेसी से संबंधित 2016 में एक विधेयक प्रस्तावित था, उस विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर हम नैतिक, कानूनी, सामाजिक, धार्मिक जो आयाम होते हैं उन आयामों को अलग कर सकते हैं, वो सुस्पष्ट तरीके से भिन्न होते हैं। जैसे सरोगेसी से जुड़ा हुआ एक सामाजिक आयाम है, सरोगेसी से जुड़ा हुआ एक आर्थिक आयाम भी हो सकता है, सरोगेसी से जुड़ा हुआ एक नैतिक आयाम भी हो सकता है और धार्मिक आयाम भी हो सकता है, और कई बार ये प्रश्न में भी पूछा जाता है। सरोगेसी का सामाजिक आयाम यह हो सकता है कि विवाह संस्था के बगैर, शादी किए हुए बिना सरोगेसी की मदद लेकर लोग पिता बन रहे हैं, जैसे करण जौहर के बारे में भी कहा गया और तुषार कपूर के बारे में भी अखबारों में खबरें आईं, इस तरह की चीजें। तो ये सामाजिक पक्ष है जो लोगों के समूह को प्रभावित करता है, ये सरोगेसी का सामाजिक पक्ष है।
सरोगेसी का एक आर्थिक आयाम भी है, और वह आर्थिक आयाम ये है कि अमेरिका जैसे देशों में जहां 50 लाख रुपए खर्च होते हैं तकरीबन, वहां भारत जैसे देशों में सरोगेसी की जो कुल लागत है वो 10 से 15 लाख है, और भारत में 35 से 45 साल के बीच की या उससे ऊपर और नीचे की जो महिलाएं हैं वो अपने आर्थिक स्थितियों के कारण सरोगेसी में के तहत वे अपने कोख का किराए पर इस्तेमाल होने की मजबूरी को या स्वेच्छा को स्वीकार या स्वेच्छा के आधार पर कुछ चीजों के लिए तैयार होती हैं। सरोगेसी का एक सामाजिक और आर्थिक आयाम है, तो सरोगेसी का एक धार्मिक आयाम भी हो सकता है कि जैसे ईसाई मत में कुछ लोगों ने, कुछ चर्चों ने सरोगेसी का विरोध किया कि बच्चे जो होते हैं वो कुदरत की देन होते हैं, और बच्चों को जो कुदरत की देन होते हैं उन्हें व्यक्ति की इच्छा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए धार्मिक तौर पर सरोगेसी गलत है। इसी तरह से सरोगेसी का एक कानूनी आयाम भी हो सकता है। 2002 में आईसीएमआर के द्वारा कॉमर्शियल सरोगेसी को एक तरह से स्वीकार करते हुए भारत में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, और उन गाइडलाइंस की वजह से भारत दुनिया के बहुत बड़े कॉमर्शियल सरोगेसी के हब के रूप में विकसित हो गया, और अब हमें ये लग रहा है कि नहीं, ये सामाजिक तौर पर भी ठीक नहीं है, कानूनी तौर या आर्थिक तौर पर भी ठीक नहीं है, और नैतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो हम सरोगेसी को रोकने के लिए एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें कॉमर्शियल सरोगेसी को हमने क्रिमिनलाइज कर दिया, और जो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी थी जिसमें किसी के संतान उत्पत्ति के लिए अपनी कोख का इस्तेमाल होने के संदर्भ में आर्थिक कोई कारक नहीं था, परार्थ या दूसरे के हित से जुड़ा हुआ कारक था, वहां पर हमने एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अपने कानून के तहत स्वीकार कर लिया। तो अगर हम यहाँ देखें तो सरोगेसी का एक सामाजिक आयाम है जो लोगों के समूह से संबंधित है, सरोगेसी का एक आर्थिक आयाम है जो सरोगेसी पर खर्च होने वाले रुपए पैसे गरीबी और इन सब के आधार पर महिलाओं का अपने कोख को किराए के लिए इस्तेमाल होने देने की स्थितियां हैं। सरोगेसी का एक धार्मिक आयाम है जिसमें कुछ चर्च हैं जो सरोगेसी को अच्छा नहीं मानते हैं या सरोगेसी को धार्मिक दृष्टि से वे गलत मानते हैं, और इसी तरह से सरोगेसी का एक नैतिक आयाम भी हो सकता है। सरोगेसी का जो नैतिक आयाम है उसमें सरोगेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा सबसे प्रमुख होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन विषयों या जिन मुद्दों के संदर्भ में हम धार्मिक आयामों को, सामाजिक आयामों को, कानूनी आयामों को बहुत सुस्पष्ट तरीके से नैतिक आयामों से अलग कर सकते हैं, और हम वहां पर नैतिक आयाम को, नैतिकता से जुड़े हुए पक्ष को पहचान भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर हम उस विषय या मुद्दे से जुड़े हुए नैतिक आयाम को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं, और उसका कारण यह होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि नैतिकता किस बिंदु पर, किस विशेषता की वजह से समाज से, सामाजिकता से, कानून से, धर्म से, प्राकृतिक बातों से, प्रकृति से, नेचुरल चीजों से, कुदरती चीजों से कैसे भिन्न होती है, और वो कौन से ऐसे कारक हैं जो नैतिकता को नैतिकता बनाते हैं, इसेंशियल फैक्टर्स क्या क्या है। तो यहां पर अगर हम ये समझ रखें तो हम ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर दे पाएंगे कि नैतिकता और कानून, नैतिकता और समाज, नैतिकता और धर्म, या मूल्य और नैतिकताओं को परिभाषित करिए, पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, और जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं में कौन सा ऐसा आयाम है जो कानूनी आयाम से अलग नैतिक आयाम है, इस बात को भी हम अस्पष्ट रूप से पकड़ सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि नैतिकता प्राकृतिक चीजों से अलग होती है। प्रकृति में होने वाली तमाम जो घटनाएं होती हैं या जो नेचुरल फिनोमेना हैं,
जैसे तूफान का होना, बाढ़ का होना, अकाल का पड़ना, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं नैतिकता या नैतिक पूर्ण न तो नैतिक होती और न ही अनैतिक होती हैं। ये दरअसल तथ्य हैं और तथ्य कभी भी नैतिकता के संदर्भ में या नैतिकता के रूप में कभी भी परिभाषित नहीं किया जाता। और इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम ये कोशिश करते हैं कि किसी प्राकृतिक तथ्य को नैतिक आयामों के रूप में देखने की कोई प्रवृत्ति हम आगे बढ़ाते हैं, तो नीतिशास्त्र में एक बहुत बड़े समकालीन विचारक रहे हैं G.E. Moore, उन्होंने कहा कि हम नेचुरलिस्टिक फैलसी करते हैं। दरअसल हम प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर किसी नॉन नेचुरल फिनोमेना को, नॉन नेचुरल फीचर को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हम एक नेचुरलिस्टिक फैलसी करते हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में जो ये नेचुरलिस्टिक फैलसी है, जो प्रकृतिवादी दोष है, वो पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछा गया था। तो नैतिकता और प्राकृतिकता दोनों अलग हैं। प्राकृतिकता जो है वो, या नेचुरल जो चीजें हैं वो तथ्य हैं, वो फैक्ट हैं, वो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, वो जो है वो वास्तव में जो वस्तु स्थिति है उनको व्यक्त करते हैं। लेकिन जो नैतिकता है वह क्या होना चाहिए को व्यक्त करती है। और नीतिशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अंतर पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और वह अंतर है कि है से कभी भी चाहिए को हम नहीं निकाल सकते। दरअसल प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन जो नैतिक बातें हैं वो होना चाहिए। सो वी कांट ड्राइव ऑट फ्रॉम इज, हम इज से ऑट को कभी भी ड्राइव नहीं, हम कभी भी उसको निगमित नहीं कर सकते हैं। और ये तथ्यों से मूल्यों के निगमन की समस्या के रूप में नीतिशास्त्र के क्षेत्र में देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि नैतिकता को हमें, नैतिकता जो है उसको हमें धर्म से भी अलग करना चाहिए। दरअसल जो धर्म होता है उसमें एक, हम ये कह सकते हैं कि नॉन रैशनल एलिमेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंटी रैशनल होता है या बुद्धि विरोधी कोई बात होती है। धर्म में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ये कह सकते हैं कि गैर बौद्धिक होती हैं। यहां गैर बौद्धिक का मतलब बुद्धि विरोधी नहीं। दरअसल एक बहुत बड़े धर्म दर्शन के क्षेत्र के विद्वान थे रुडोल्फ ऑटो ने कहा था कि दुनिया के धर्मों की जो सारभूत विशेषता है वह यह है कि सभी में पवित्रता और अपवित्रता की भावना का एक नॉन रैशनल, एक अबौद्धिक या एक गैर बौद्धिक तत्व होता है। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को अगर हम पवित्र मानते हैं तो वहां पर हम चप्पल ही निकाल कर जाएंगे। पवित्रता की भावना, वो रामचरितमानस जो हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो उसे घर में लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाएगा। दरअसल धर्मों में हमेशा पवित्रता और अपवित्रता की एक भावना रही है, और यह भावना जो रही है यह एक नॉन रेशनल एलिमेंट रहा है, होली और अनहोली का जो विचार रहा है। इसके साथ ही दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें अलौकिकता या दैवीयता के प्रति आस्था होती है, लेकिन नैतिकता में हमेशा अबौद्धिकता के बजाय, गैर बौद्धिकता के बजाय हमेशा एक बौद्धिक औचित्य का पहलू होता है। तो धर्म में एक नॉन रैशनल, होली या अनहोली, पवित्र या अपवित्र का एक तत्व होता है, लेकिन जो नैतिकता होती है उसमें एक बौद्धिक तत्व हमेशा होता है, वो तार्किक रूप से किसी चीज के औचित्य प्रतिपादन का होता है। प्रख्यात नीतिशास्त्री पीटर सिंगर ने अपनी किताब में कहा है कि एथिकल होने का मतलब है देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रैशनल जस्टिफिकेशन। अगर हम कहते हैं कि कोई चीज एथिकल है तो
तो एथिकल होने का मतलब है कि हम उसका तार्किक औचित्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो धर्म में आस्था है, धर्म में पवित्रता और अपवित्रता की भावनाएं हैं। नैतिकता में न तो हम पवित्रता और अपवित्रता की किसी ऐसी गैर बौद्धिक या अबौद्धिक भावना की बात कर सकते हैं, और न ही हम किसी दैवीयता, अलौकिकता या अति प्राकृतिकता में, किसी डिवाइनिटी में, किसी सुपर नेचुरलिटी में हम आस्था की बात कर सकते हैं। तो इस दृश्य से अगर देखा जाए तो धर्म और नैतिकता में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। दूसरी बात है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि धर्म, नैतिकता और जो सामाजिकता है वो एक ही चीज होती है, और उसकी उसका कारण ये कई बार ये हमारे मन में होता है कि नैतिकता तो हमेशा समाज में ही होती है, प्रचलित रीत रिवाजों को ही मोरस कहा जाता है और मोरस से मोरलिटी बनती है, इसलिए जिसे हम नैतिक कहते हैं तो नैतिक हमेशा सामाजिक होता है। दरअसल ये तर्क या इस तरह का जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण भी गलत है। नैतिकता और सामाजिकता में बहुत फर्क होता है। दरअसल नैतिकता के दो पहलू हो सकते हैं। कई बार नैतिकता को हम समाज के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, समाज को बेहतर बनाने के एक उपकरण के रूप में स्वीकार करते हैं, और वहां पर नैतिकता एक सोशल इंटरप्राइज है, और नैतिकता को कई बार हम समाज के एक उपकरण के बजाय नैतिकता को एक पर्सनल कोड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम नैतिकता को पर्सनल कोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो नैतिकता एथिक्स मोरलिटी से डिफरेंट हो जाती है और समाज के सापेक्ष भी नहीं रह जाती है। दरअसल किसी के पर्सनल कोड के रूप में जब हम किसी एथिकल वैल्यू या मोरल वैल्यूज की बात करते हैं तो वहां पर हम किसी ग्रुप के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी व्यापक या सीमित समाज के लिए हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम दरअसल यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एक व्यक्ति के आचरण या चरित्र के मार्गदर्शन के लिए कर रहे हैं। तो नैतिकता और समाज के बीच में दरअसल, या नैतिकता और सामाजिकता के बीच में दो अंतर होते हैं। सामाजिकता समूह से संबंधित होगी, नैतिकता व्यक्तिगत संहिताओं से भी जुड़ी हुई होती है, और ये व्यक्तिगत संहिता का तत्व नैतिकता को सामाजिकता से अलग कर देता है। दूसरी बात यह है कि नैतिकता समाज सापेक्ष नहीं होती है, नैतिकता जो है वो किसी समाज विशेष के सापेक्ष नहीं होती है। नैतिकता की एक बहुत बड़ी विशेषता उस सार्वभौमिकता मानी जाती है, वह स्थान के सापेक्ष नहीं बल्कि सभी स्थानों और सभी समयों के लिए, सभी समयों में एक समान मानी जाती है। तो जैसे नैतिकता प्राकृतिकता से अलग है, जैसे नैतिकता धर्म से अलग है, वैसे ही नैतिकता समाज से भी अलग है। नैतिकता प्राकृतिकता से अलग है क्योंकि प्राकृतिक बातें तथ्य होती है और नैतिकता में मूल्य होता है। नैतिकता धर्म से अलग है क्योंकि धर्म में पवित्रता और अपवित्रता की भावना जरूरी तौर पर पाई जाएगी। धर्म में किसी अति प्राकृतिक, किसी अलौकिक, किसी दैवीय तत्व के प्रति आस्था जरूर होगी। नैतिकता में हमेशा एक तार्किक औचित्य प्रस्तुत किया जाएगा और यह तार्किक औचित्य उसे धर्म से अलग कर देता है। इसी तरह से नैतिकता और सामाजिकता में भी अंतर होगा। नैतिकता को हम एक समाज को संचालित करने वाले, उसको दिशा देने वाले एक उपकरण के रूप में भी देखते हैं और एक व्यक्तिगत आचार संहिता के रूप में भी देखते हैं। नैतिकता व्यक्तिगत आचार संहिता के रूप में सामाजिकता से भिन्न हो जाती है और नैतिकता समाज के सापेक्ष नहीं होती, इसलिए नैतिकता और सामाजिकता को भी हमें घालमेल करने की जो प्रवृत्ति है वह नहीं रखनी चाहिए। और इन सब के साथ ही नैतिकता और कानून में भी अंतर होता है। दरअसल कानून जो होता है उसमें जो उसके तहत जो हम सैंक्शंस लगाते हैं लोगों पर, जो भी हम आदेश लोगों को देते हैं, दंडित करते हैं, वो हमेशा किसी बाहरी सत्ता के द्वारा होता है। और जॉन ऑस्टिन जो बहुत जाने माने ज्यूरिसप्रूडेंस के विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि दरअसल कानून जो है वो संप्रभुताधारी का आदेश होता है। तो लॉ जो है वो एक ऑर्डर है और ऑर्डर वो सॉवरेन का है और सॉवरेन पावर हमसे बाहर है।
लॉ हमेशा एक्सटर्नल होगा, लेकिन जो नैतिकता है वह नैतिकता हमेशा इंटरनल होती है। नैतिकता को मानवेंद्रनाथ राय ने कहा था कि यह अंतरात्मा के प्रति निवेदन का नाम है। तो कानून बाह्य होता है, कानून बाह्य है, नैतिकता आंतरिक है। तो नैतिकता प्राकृतिकता से, नैतिकता कानून, नैतिकता समाज से, नैतिकता धर्म से और नैतिकता कानून से भिन्न होती है। अब यहां पर तो हमने ये समझा कि नैतिकता क्या नहीं है, लेकिन अब इसके साथ ही हमें ये समझना चाहिए कि नैतिकता क्या है। और अब आप उस एग्जाम्पल को रिलेट करिए कि सरोगेसी के कानूनी आयाम हैं, सरोगेसी के सामाजिक पहलू भी है, सरोगेसी के धार्मिक पहलू भी, धार्मिक आपत्तियां भी उस पर हो सकती हैं, और सरोगेसी का एक नैतिक आयाम भी होगा। हमें इन सबको मिलाने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद का सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, धार्मिक पहलू हो सकता है। आतंकवाद को रोकने के लिए अगर हम कोई कठोर कानून का प्रावधान करते हैं तो उसका कानूनी पहलू भी होगा, लेकिन आतंकवाद का एक नैतिक पहलू या आतंकवाद से जुड़ा हुआ कुछ नैतिक मुद्दा भी हो सकता है। और जब हम ये कहते हैं कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ नैतिक मुद्दा हो सकता है, इसका मतलब ये है कि हम आतंकवाद को समाज, सामाजिक आयाम से, आतंकवाद के जो सामाजिक आयाम है, कानूनी आयाम है, आतंकवाद के जो धार्मिक आयाम है, उनसे नैतिक आयाम को अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग में रखना चाहिए कि नैतिकता प्राकृतिकता से, कानून से, समाज से, धर्म से, इन सब से भिन्न होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि नैतिकता को क्या ऐसी विशेषता है जो उसे कानून, समाज, धर्म, इन सब से अलग करते हुए नैतिकता बनाती है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि व्हाट मेक्स एनीथिंग एथिकल। सबसे पहला महत्वपूर्ण उत्तर इसका ये है कि दरअसल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है एथिक्स में, मोरलिटी में, वो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो बिल्कुल विशिष्ट होता है और वही उसको एथिकल बनाता है। नैतिकता एक ऐसे दृष्टिकोण को अनिवार्यतः शामिल करेगी जिस दृष्टिकोण में तीन बातें जरूरी तौर पर मिलेंगी। पहला, हर नैतिक दृष्टिकोण में जजिंग का, जजमेंट का एलिमेंट जरूर होता है। दूसरा, हर नैतिक दृष्टिकोण एक फीलिंग का एलिमेंट भी जरूर रखता है, अफेक्टिव कंपोनेंट भी जरूर रखेगा। और जितने भी नैतिक दृष्टिकोण हैं उन नैतिक दृष्टिकोणों में एक रीजनिंग भी जरूर होगी। इसीलिए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली किताब एथिक्स, जो विलियम फ्रेंकिना ने लिखी है, तो विलियम फ्रेंकिना ने लिखा है कि जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू कंटेन्स जजिंग, फीलिंग एंड रीजनिंग एलिमेंट्स। अब इसको समझें कि जजिंग क्या है, जजमेंट करना क्या है, फील करना क्या है और इसके साथ ही रीजनिंग क्या है। तो जितने भी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उसमें हम जजमेंट करते हैं, जजमेंट करते हैं इंसान के कार्यों का, इंसान के गुणों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जजमेंट होता है, तो इसको किसी विद्वान ने कहा था कि जजमेंट इन नॉट लॉजिकल सेंस बट जजमेंट इन जुडिशियल सेंस। ये जो जजमेंट होता है ये लॉजिकल सेंस में नहीं होता है, ये जजमेंट जुडिशियल सेंस में होता है। क्योंकि हम हर नैतिक दृष्टिकोण में किसी चीज को अच्छा, बुरा, सही, गलत के रूप में जज करते हैं, और जज करने का मतलब ये है कि हम किसी स्टैंडर्ड के आधार पर, किसी नॉर्म के आधार पर, किसी वैल्यू के आधार पर दी गई स्थिति को, विषय को, व्यक्ति को, उसके गुणों को, उसके कार्यों को मूल्यांकित कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि नैतिकता में एक फीलिंग भी होती है, उसमें एक भावनात्मक तत्व भी होता है। दरअसल
बीसवीं शताब्दी में नीतिशास्त्र की एक नई धारा का उद्भव हुआ जिसे अधिनीतिशास्त्र या मेटा एथिक्स कहते हैं। तो मेटा एथिक्स में कुछ लोगों ने ये बात कही कि जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, जब हम किसी विषय का, व्यक्ति का, उसके गुणों का, उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपने संवेगों को भी अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे में वो संवेग जागृत करना चाहते हैं। दरअसल एजे एयर नाम के एक अंग्रेज या एक ब्रिटिश विचारक ने संवेगवाद के अंतर्गत ये बताया था कि नैतिक निर्णयों में मनुष्य अपने संवेगों को व्यक्त करता है और दूसरे में वो संवेग जागृत भी करता है। जैसे कि अगर हमने ये कहा कि पशुओं और पक्षियों के प्रति निर्ममता बहुत ही गलत बात है, तो मैं यहां पर पशुओं और पक्षियों के प्रति अपने इमोशंस को भी व्यक्त कर रहा हूं और इसके साथ ही दूसरे में वैसा ही इमोशन भी मैं उत्पन्न करना चाह रहा हूं। दरअसल जब मैं किसी चीज को कहता हूं कि गलत है, तो मैं डिसअप्रूव कर रहा हूं और डिसअप्रूव करने के साथ ही मेरी वहां पर एक फीलिंग भी इन्वॉल्व है। और जब मैं किसी चीज को कहता हूं कि अच्छा है, तो मैं उसे अप्रूव भी कर रहा हूं और अप्रूव करने में मेरी एक पॉजिटिव फीलिंग भी उसमें शामिल है। और केवल एकाध लोगों ने ही नहीं, दरअसल कई लोगों ने इस बात पर बल दिया कि जो मोरल जजमेंट होते हैं, जो एथिकल जजमेंट होते हैं, उनमें दरअसल एक फीलिंग का एलिमेंट या एक फीलिंग का कंपोनेंट जरूर होता है। एजेयर ने तो कहा कि जो एथिकल जजमेंट्स होते हैं उनमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे में उसी उस तरह के इमोशंस को दरअसल जागृत करना चाहते हैं। और एजेयर के इन्हीं विचारों की वजह से उनके सिद्धांत को संवेगवाद कहा गया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि दरअसल हम केवल इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, दरअसल हम एक एथिकल एटीट्यूड को, दरअसल हम एक एटीट्यूड व्यक्त करते हैं अपना, और उस एटीट्यूड में, एटीट्यूड इमोशन से ज्यादा व्यापक है। दरअसल उसमें एक्शन भी है, बिहेवियर भी है, उसमें विश्वास भी है। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा, जैसे सीएल स्टीवेंसन ने कहा कि जो एथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एथिकल स्टेटमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को शो करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि एथिकल स्टेटमेंट्स जो होते हैं हम उसमें कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, हम परामर्श देते हैं, जैसे डॉक्टर परामर्श देता है वैसे ही हम इसमें क्या परामर्श देते हैं, तो हम जजमेंट करते हैं इसमें, हमारी फीलिंग्स इसमें, इमोशंस के एक्सप्रेशन के रूप में, एटीट्यूड के एक्सप्रेशन के रूप में, या कुछ ऐसा है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए। तो एक प्रिस्क्रिप्टिविज्म, परामर्शवाद की भी बात या का सिद्धांत भी आ गया, एक संवेगवाद का भी सिद्धांत आ गया। उन लोगों ने कहा कि दरअसल एथिकल जजमेंट्स में कहीं ना कहीं एक अफेक्टिव फीलिंग भी होती है। और इसके साथ ही एथिक्स जहां भी होगी, एथिकल पॉइंट जहां भी होगा, वहां पर एक रीजनिंग भी होती है। रीजनिंग कैसे होती है कि चोरी करना गलत होता है, चोरी करना अनुचित कार्य है, राम ने चोरी किया इसलिए राम ने अनुचित कार्य किया। जो सिलोजिज्म लॉजिक में होता है, अरस्तु ने कहा कि उसी तरह का सिलोजिज्म एथिक्स में भी होता है। एथिक्स में एक रीजनिंग होती है, एथिकल रीजनिंग क्या होती है। तो जितने भी नैतिक दृष्टिकोण हैं, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट कंटेन्स जजिंग, फीलिंग एंड रीजनिंग। और यहां पर एथिक्स और एथिकल पॉइंट ऑफ जो एथिक्स है वो दूसरे जितने भी डिस्क्राइब करने वाली चीजें हैं जिनमें हम केवल और केवल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं उनसे क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। तो नैतिकता अपने दृष्टिकोण में बाकी चीजों से अलग है, वो धर्म से अलग है, वो समाज से अलग है,
वो कानून से भी क्या है, अलग है। तो ये कुल मिलाकर नैतिकता से जुड़ी हुई बातें।